प्राइवेट बसों को परमिट देने के विरोध में आज बुधवार को हरियाणा रोडवेज की प्रदेश व्यापी हड़ताल और चक्का जाम है। हड़ताल और चक्का जाम का असर रेवाड़ी में भी देखने को मिला। सुबह से ही हड़ताल के कारण सभी रोडवेज बसें डिपो में ही खड़ी रही और रोडवेज कर्मचारी वर्कशॉप में धरने पर बैठ गए। रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं हड़ताल के मद्देनजर जिला एस्मा के तहत पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। डीएसपी सतपाल यादव के नेतृत्व में डिपो में पुलिस फोर्स तैनात की गई। फिर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में धरने पर बैठे कर्मचारियों को वहां से उठाकर पुलिस हिरासत में लेकर बसों में बैठाया गया। हमारी सुरक्षा की दृष्टि से हमने हर प्रकार की सुरक्षा की हुई है और जो कोई व्यक्ति बस चलाना चाहता है उसको पूरी तरह से स्वतंत्र होता है कि वह अपनी बस चला सकते हैं और हर हिसाब से हमारी लाइन ऑर्डर ड्यूटी अंडर कंट्रोल। अभी कितने गिरफ्तार किए हैं? अभी तक गिरफ्तारी के बारे में कोई वो नहीं है। अभी हम इनके बारे में वो कर रहे हैं, इनकी स्क्रूटनी कर रहे हैं, जिस चीज़ की कंप्लेंट आएगी जो भी जिन साहब उसके खिलाफ कर रहे हैं। अभी तक कोई बसें चली है? अभी अभी आपके सामने है, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, आप पीछे ना टूरे ना दे। वही प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि सरकार एस्मा जैसा काला कानून लगाकर कर्मचारियों की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार रोडवेज का पूरी तरह निजीकरण करने में तुली हुई है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्राइवेट बसों को किलोमीटर स्कीम के तहत परमिट देने के विरोध में रोडवेज कर्मचारी बुधवार से हड़ताल पर चले गए। एस्मा लगाए जाने के बावजूद कई डिपो में बसें मंगलवार शाम से ही बंद कर दी गई। इंडिया एक्सप्रेस के रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट।